यूपी बीएड जेई प्रवेश परीक्षा के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करें उससे पहले है इसकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके बाद एज है इसका मिनिमम 21 साल। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। एग्जाम मोड ऑफलाइन लिया जाएगा। लैंग्वेज इसका हिंदी या इंग्लिश होगा। कितनी बार यह एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जब तक आपकी योग्यता है तब तक यह एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपी बीएड के एग्ज़ाम दो सेक्शन में लिए जाते हैं, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में जनरल नॉलेज जो 50 क्वेश्चन हैं 100 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी भाषा जो 50 क्वेश्चन हैं 100 मार्क्स के। टोटल इसके क्वेश्चन की संख्या 100 है और मार्क्स की संख्या 200 है। इसके एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब आइए पेपर टू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड जो 50 क्वेश्चन हैं 100 मार्क्स के और संबंधित सिलेबस कला विज्ञान कॉमर्स और कृषि से पूछे जाएंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा। 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, इसके लिए भी 3 घंटे का हमें समय दिया जाता है। या टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है, टोटल मार्क्स की संख्या 200 है। अब इसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पेपर वन के जनरल नॉलेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला और संस्कृति, पुरस्कार और सम्मान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भारत और विश्व के एक साल का करेंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। अब आइए हिंदी भाषा में हमें क्या पढ़ना है, ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द पद, शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, वचन, लिंग, समास, संधि, क्रिया, वाक्य रचना, मुहावरे, क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, वाक्य अशुद्धियाँ, शब्द और पद, ये सभी हमें हिंदी भाषा में पढ़ना है। अब आइए अंग्रेजी में हमें क्या पढ़ना है, तो टेंस, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ग्रामर, आइडम्स एंड फ्रेजेस, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकेबुलरी, वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, ये सभी हमें इंग्लिश में पढ़ना है। अब आइए पेपर टू में क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल एप्टीट्यूड में हमें रीजनिंग, दिशा, पहेली, श्रृंखला, समापन, घन और पासा, वर्गीकरण, रिश्ते, कोडिंग डिकोडिंग, अनुक्रमण, मिशिंग, इनमें इमेज, शब्द, कैरेक्टर, समय और दूरी, संख्या, प्रतिशत, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात, डाटा इंटरप्रिटेशन, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त, ये सभी हमें जनरल एप्टीट्यूड में पढ़ना है। संबंधित विषय में क्या पढ़ना है, तो कला, कॉमर्स, विज्ञान, कृषि, इन सभी से प्रश्न आएगा और ये सभी हमें पढ़ना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।